वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिस्ट्री का डे 21 करने वाले हैं, जिसमें हमने टॉप 30 सवाल को शामिल किया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, एसएससी, दिल्ली पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल होगा, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंह विष्णु। हमारा दूसरा सवाल है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कांचीपुरम। हमारा तीसरा सवाल है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा अपराजित वर्मन। चौथा सवाल है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। हमारा पांचवा सवाल है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। हमारा छठा सवाल है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। हमारा सातवां सवाल है, यादव वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा भिल्लम पंचम ने। आठवां सवाल है कि होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु वर्धन ने। हमारा नौवां सवाल है कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब हो जाएगा द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हमारा दसवां सवाल है कि कदंब वंश की स्थापना किसने की थी? कदंब वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मयूर शर्मन ने। हमारा ग्यारहवां सवाल है, काकतीय वंश की संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा बीटा प्रथम। हमारा बारहवां सवाल है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल। अगला सवाल है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। पल्लव वंश की राजधानी मुंगेर में थी। हमारा चौदहवां सवाल है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल ने। हमारा पंद्रहवां सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। हमारा सोलहवां सवाल है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। हमारा सत्रहवां सवाल है कि गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्र देव। अठारहवां सवाल है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। हमारा उन्नीसवां सवाल है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा चंदवर दाई। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंदवर दाई ने। हमारा बीसवां सवाल है कि अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। हमारा इक्कीसवां सवाल है कि अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई? अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई? इसका सही जवाब हो जाएगा 712 ईस्वी में। हमारा बाईसवां सवाल है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका सही जवाब हो जाएगा
17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 23वां सवाल है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनी। हमारा 24वां सवाल है कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1030 ईसवी में। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 ईसवी में। हमारा 25वां सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। हमारा 26वां सवाल है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। हमारा 27वां सवाल है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी विजय हुआ था। हमारा 28वां सवाल है कि मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की हत्या हुई 1206 ईस्वी में। हमारा 29वां सवाल है कि 1518 में खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ? 1518 में खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। 1518 में खतौली का जो युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हमारा 30वां सवाल है कि अरब के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? अरब के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाहिर। अरब के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।